भरमौर में एक भरमानी माता का मंदिर है, हमने वहाँ पे जाने का प्लान किया है। अभी ट्रैक करने का रिस्क हम नहीं लेंगे, कल सुबह करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भरमौर, डे टू। सो अभी हम यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे होंगे। रात को यहाँ पे टेम्परेचर -6 था, तो रात को बहुत मुश्किल से ही हमने कंबल रजाइयाँ इकट्ठे करके रात गुजारी है। जब धूप निकली है तो हमने फिर ट्रैक स्टार्ट करने का प्लान किया है। 10 बजे अभी धूप निकली है तो हम निकले हैं, तो यहाँ पे ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। चलो चलते हैं। ये अभी आया है 84 मंदिर, आते वक्त जाएंगे यहाँ पे। 84 मंदिर के पास ही एक ढाबा है, तो यहाँ पे हम कुछ खाने के लिए रुके हैं। यहाँ पे मैगी और चाय वगैरह ऑर्डर की है। ढाबे के साथ में यहाँ पे देखिएगा मंदिर है। टाइम अभी हो रहा है 10:30 के आसपास हो रहे हैं, तो दोबारा से ट्रैक स्टार्ट कर दिया। अभी खाने के बाद जान आई है। ये हेलीपैड है यहाँ पे। यहाँ से मनी महेश जाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है, जो आपको गौरीकुंड तक लेके जाती है। स्नोमैन बनाने की नाकाम कोशिश की गई है यहाँ पे इस व्यक्ति द्वारा। पता नहीं इनको किसने कह दिया तुम स्नोमैन बना सकते हो। इन्होंने बोला है कि मैं एक्सपर्ट हूँ स्नोमैन बनाने में। ये कह रहे हैं हमारे साथ कोर्स किया है। इन्होंने कोर्स किया अमृतसर से। डिप्लोमा किया स्नोमैन बनाने वाला। कुछ तो बनेगा, जो बनेगा आपको दिखाएंगे। हमने स्नोमैन बना दिया। ये देखिए, ये मुझे कुत्ता लग रहा है। आर्ट और आर्टिस्ट। ये देखिएगा, 2-2 फीट की बर्फ है, पैर धस रहे हैं अंदर। ये देखिए, हम चलते चलते गलत रास्ते में आ गए थे। थैंक गॉड हमने गूगल मैप से चेक किया है। मोस्टली ट्रैक्स पे लोकेशन शो नहीं होती है ट्रैक की, बट यहाँ पे लोकेशन प्रॉपरली आपको शो हो रही है। ये अगर समर में आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज तब तो स्नो नहीं होगी, तो आप प्रॉपरली इजीली ट्रैक कर पाएंगे। बट स्नो में अगर आप आते हैं तो आप गूगल मैप का भी सहारा ले सकते हैं, उससे आपको इजी रहेगा बर्फ में रास्ता ढूंढना। तीन तीन चार चार फीट की स्नो है यहाँ पे, और ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी हम सही रास्ते में आए हैं। टाइम अभी हो रहा है 12:10 हो गए हैं। ट्रैक हमने स्टार्ट किया था गाइस लगभग 10:30 बजे के करीब किया था, तो 12 बज गए हैं। देखो कितने टाइम में पहुंचते हैं। आप बर्फ़ का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं, यहाँ बेंच हुआ करता था, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी बर्फ़ है यहाँ पे पूरी। वो भी देखिए, बेंच हुआ करता था, इतनी बर्फ़ है, पूरा ढक गया है। गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठे हैं। देखिए पीछे नजारा, जी कर रहे बस बैठे रहो और नजारे देखते रहो। कि नहीं नहीं yes. आगे जाने का मन कर रहा है। कर रहा है मन? हाँ। बस ये मेरा राजा लेना जाए हमको। वो आए थे, हमने भेज दिया वापस। हमने कहा हमारी वैलिडिटी पड़ी है। कितनी देर की पड़ी अभी? हमारा साल का इजिया कराया हुआ ना, मकठाई एयरटेल का करा लिया था हमने। चलो अच्छी बात है, हमने हमने उनको दिखाया, फिर यमराज जी वापस चले। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप अगले ट्रैक में आना, फिर मैं आऊंगा। फिर मैं आऊंगा, हमने अब आना ही नहीं है। नाइस एस्केप।
सिर्फ 200-250 मीटर रह गया होगा। एट लास्ट हम पहुंच गए मंदिर में। आपको व्यू दिखाता हूँ मंदिर का।